ओ नीचे भी जा रहा है ऊपर भी आ रहा है। ओ माय गॉड, मुझे नीचे सीढ़ियों पर जाना चाहिए था ना गाइस, और मैं यहाँ ट्रैप में गिर गया हूँ। रेड हे पोकेमैन्स, कैसे हैं आप लोग? आज सभी का स्वागत है पोकेमोन एडवेंचर एड चैप्टर में फिर से, और पोकेविक्स के विनर्स का मैं नाम लेना चाहूँगा, अल्टीमेट पोकेमोनर अर्नव जैना एंड इजुकू ग्रे निंजा। और गाइस चैनल पर जो सपोर्ट एकदम जो दिखा रहे हैं कमेंट्स में, मैं उनका भी नाम ले चाहूँगा फिर से, अल्टीमेट पोकेमोनर आर एस पोके गेमिंग, पोके इंडियन भाई एंड अलोन भाई, जो हाँ स्टार्टिंग से अभी तक इतना ज़बरदस्त सपोर्ट दिखा रहे हैं, तो दिल से शुक्रिया गाइस। जिन्होंने लाइक नहीं किया तो गाइस फटाफट से लाइक कर दो, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत सारे हम पोकेमोन्स खेलने वाले हैं, खेल रहे हैं इन दी फ्यूचर, 9020 की लेटेस्ट गेम्स भी खेलेंगे। तो पिछली बार आर्टिकुनो ने हमारी जान बचाई और फिर यहाँ पे हम इस आइलैंड पे पहुँचे, तो यहाँ पे मोल्ट्रस को बाप रे टीम रॉकेट ने पकड़ रखा है और हमें उनकी ताकत पता चल गई, और हम इस आइलैंड पे हैं सिनेबर आइलैंड पे। लेट्स सी आगे क्या होता है, और मैं सब जगह एक बार ढूंढ ढांड के बात बातचीत कर लेता हूँ, देखूँ कुछ खास होगा तो दिखा दूंगा, नहीं तो गाइस कट कर दूंगा। तो आगे आज देखेंगे क्या होता है। आर यू गाइस एक्साइटेड? गाइस सिनेबर साइंस लैब, लेट्स सी ये कुछ खतरनाक हो। ओ जहाँ पे जिम है, हम तो वैसे जीत चुके हैं लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। आई एम सॉरी, हमें पता है ब्लेन यही यहाँ पे नहीं है, टकलू भाग चुका है, और साइंस लैब में गाइस जाके देखते हैं क्या होगा। भाई इतनी इतना धीरा? ओ हेलो, बाप रे भाई कितना सन्नाटा है। द आई लैशेस डिडेंट प्रोवाइड, अच्छा आई लैशेस ने इतना डीएनए डाटा नहीं दिया जिससे कि वो पूरा म्यू क्लोन बना सके। म्यू के आई लैशेस की बात करें गाइस, तो एक साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि वो अपना डीएनए को यूज़ करेगा पूरा हाइब्रिड क्लोन बनाने के लिए म्यू का। बाप रे भाई साहब, ओ यहाँ गेट है, डर सा लग रहा है कुछ हो जाएगा। ओ भाई म्यूटू, ओ माय गॉड गाइस म्यूटू भाई अभी से आ गया, इसकी पूंछ पकड़ ले तो भाग नहीं पाएगा। ओ ओ व्हाट वाज दैट भाई, म्यूटू ये अभी भी यहाँ था। शिट रेड क्या कर दिया तूने? कोई नहीं, वैसे भी रेड बाद में पकड़ लेता है, और यहाँ भी जाके देखते हैं। ओ ये क्या है, इनविटेशन? व्हाट द हेल, इनविटेशन मिला गाइस हमें, और वो इनविटेशन डोंट टेल मी म्यूटू ने रखा है। ओ ये तो वही है, और यहाँ पे रोशनी आई थी अभी गाइस, जिससे मुझे पता चल गया कि वो पोकेमोन जो हमें मिला है वो नन अदर म्यू है, और म्यू भाग चुका है टेलीपोर्ट्स करने से, और इसकी वजह से, लेकिन हम उसका आईलैशेस की वजह से जो उसका पीछा छूटा था उससे डीएनए ले सके हैं, और इस डीएनए से हम क्लोन्स बना सकेंगे उस एक्सटिंक्ट पोकेमोन के। भाई साहब इतना खतरनाक, भाई म्यूटू था यहाँ पे, और ये भी है। यूवी ने बहुत ही इंटेंस तरीके से मैरीस्यू की आंखों में देखा। मैरीस्यू दैन टोल्ड गिवनी कि जो उसके काम के जो तरीके हैं वो गलत है, जो उसके एक्शंस है। गिवनी ने हाँ भरी और उससे एग्री करा मैरीस्यू से, और उसने टीम रॉकेट छोड़ दी, उसने वो झुका और उसने एंगेजमेंट रिंग निकाली, लेकिन मैरी सीयू ने डिक्लाइन कर दिया, एंड उसने कहा वो किसी की औरत नहीं है। गिवनी ने फिर से हाँ करी और उसको कहा कि मैं कभी भी गिव अप नहीं करूँगा तेरे पर, और मैरी सीयू स्माइल। भाई व्हाट द हेल, यहाँ पे कोई रोमांटिक डम फिक्शन चल रही है भाई, क्या है हद होती है। और हमें अभी रिसेंटली एक वाइल्ड पोकेमोन मिला है जो एक्सटिंक्ट हमें लग रहा था हो चुका है मिलियंस ईयर्स को, म्यू की बात। भाई ये तो बहुत ही सही, हम इसमें आ गए, बाप रे म्यू टू से मिले गाइस हम। और ओके यहाँ पे कुछ नहीं है गाइस, सिनेबार आइलैंड मैंसन, यार इसमें जा सकते हैं। आई एम सॉरी बच्चे, ये इस मैंसन को बहुत ही ज़्यादा टोर्च लेके डैमेज हो चुका है। मैं और मेरी टीम हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं कि अंदर के जो इंटीरियर है वो अभी तक होल्ड कर पाएंगे नहीं करेंगे, लाइक मतलब बिल्डिंग ना गिर जाए। एंड गाइस यहाँ पे और कुछ खास नहीं था, तो हम शायद हमें सर्व करना पड़ेगा। गाइस लगता है हम पैलेटाउन वापस आ चुके हैं, बाप रे अपने घर घूम के आगे पूरे यार। एंड लेट्स सी गाइस पैलेटाउन, व्हाट द क्या हुआ, पैलेटाउन खाली खाली क्यों लग रहा है, और मैं सोच रहा हूँ ये सब कहाँ गए। भाई म्यूजिक ऐसे बजने लगी, और ये घर में जा सकते हैं अब? अरे अरे ब्लू भाई कैसे उदास है भाई, ये वही लड़की है, मैं 100% कह रहा हूँ जो मैंने पहली बार इसका पार्ट खेला था यार। एक अलग गाइस
सबसे पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे इसका डाला था और हम फिर से मुड़ के यहाँ पे आ गए हैं। वो क्या जर्नी हमारी चल रही, इतनी ज़बरदस्त अपने भाइयों के साथ, जो भी नए भाई जो मेरे को इस चैनल पे मिले हैं भाई, मतलब दिल से शुक्रिया गाइस। और ये देखो हम वापस आ चुके हैं, ब्लू उदास है, और ये वही लड़की शायद जिसको मतलब वो चिड़िया आई थी, पता नहीं जो भी उठा के लगी, पता नहीं क्या हुआ। ब्लू तू यहाँ कब से खड़ा है भाई, काफ़ी देर हो गई, तू यहाँ क्या कर रही है, और तू कुछ चुरा तो नहीं रही, कुछ दोबारा फिर से चुराने का? नो मैं नहीं भाई, उदास क्यों है, ये इसी का घर 100% भाई। ये ब्लू ही जो, अच्छा जो उसके सामने खड़ी थी, क्या नाम है यहाँ पे, हाँ गाइस, और यहाँ से उसको उठा लिया गया था। ओके डोंट टेल मी, अरे हाँ ग्रीन गया प्रोफेसर ओक से मिलने, लेट्स सी भाई यहाँ भी कितना सन्नाटा है। और ये क्या है भाई, ये किसको जाएगा? अच्छा ये एक और को देने के लिए था भाई, यहाँ भी सन्नाटा हो रखा है। ओ प्रोफेसर ओक खड़े हैं भाई, इतनी शांति है, डर सा लग रहा है। प्रोफेसर ओक मुझे, आई एम ग्लैड आप अभी भी यहीं पर हैं, और आप हमेशा भले इस प्लेस को क्वाइट रखते हैं और क्रीपी भी लोल। हाँ है सो एनी वे, पॉकी टैक्स बहुत ही अच्छी तरीके से आ रहा है भाई, चुप क्यों खड़ा, क्या हो गया प्रोफेसर? भाई ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया, डैट वॉज अ पोकेमॉन क्राई, साउंड्स लाइक डैट अ साइकिक पोकेमॉन, कौन है तू, शो योर सेल्फ। ओ भाई क्या टाइप रहा था, ओ माय गॉड सबरीना कहाँ से आ गई, हाउ डू यू लाइक कैडेब्रास कन्फ्यूजन, रेड फ्रॉम पैलेट टाउन भाई, इज्जत दे रहे थे खुलकर से, रेड फ्रॉम पैलेट टाउन कैसा लगा, नाम देख रहे हो कितना कर दिया हमने। ये इंसानों और पोकेमोन दोनों पे काम करता है कन्फ्यूजन अटैक इसका, अच्छा और तू टीम रॉकेट के नाक में तूने दम कर रखा था बहुत देर से, कौन है तू? आई एम सबरीना और टीम रॉकेट एलाइट्स के ट्रायो में से एक हूँ मैं, ट्राइड में से एक हूँ, और तूने मेरी माँ प्रोफेसर ओक और बाकियों के साथ क्या करा है? ओ वो सेफ है अभी के लिए, और वो अभी एंजॉय कर रहे हैं नाइस लिटिल वैकेशन इन, अच्छा सैफरन सिटी में किडनैप करके ले गई है, और रवर रेड फ्रॉम पैलेटॉन व्हाट द हेल भाई, सब सबको किडनैप करके भाई, ठीक है आप मैन सर्च हिस्ट्री भाई सही लोल, वो यहाँ पे क्या है, कुछ है क्या भाई, ले गई वो तो। ओह ग्रीन आ गया, और मुझे ये ऐसा फीलिंग थी कि तू यहाँ पर होगा, और मैं सही था ग्रीन, बहुत ही ट्राइबल हो चुका है इंसिडेंट, प्रोफेसर ओक सबको कह रहा, मुझे बताओ जो मुझे नहीं पता भाई, कितना एटीट्यूड है इसमें, अबे तेरे पीछे चार चार ही रेड है, नहीं तो तेरे को मैं यही धोता, चार ही रेड की मैं इज्जत करता हूँ, मेरा फेवरेट है वो। मैं कैंटो रीजन को स्काउट कर रहा था, कैंटो को हवा से, और फिर मैं सेफरन सिटी पर आया तो मैंने वहाँ से एरियल फोटो ली सिटी की, टीम रॉकेट है ना, द होल सिटी इज सराउंडेड बाय इनविजिबल बैरियर भाई, यू नो वट डैट मीन्स, हाँ टीम रॉकेट हेडक्वार्टर सैफरन सिटी में, और सेबरीना लेडी से जो मैं अभी भी मिला उसने कुछ कहा सैफरन सिटी से, और वो हमें ल्योर करना चाहती है उनके हेडक्वार्टर में, मैं पक्का आई एम श्योर, और मुझे फीलिंग थी कि टीम रॉकेट से बैटल बहुत खतरनाक सी होगी, लेकिन तेरे तेरा क्या, तू मेरे साथ आ नहीं रहा क्या, मैं गलती मत करी रेड, मैं केयर नहीं करता उसकी टीम रॉकेट की, सेल और इवन चाहे क्रूअल एक्सपेरिमेंट नहीं करे भाई, ग्रीन क्या कर रहा है, तेरे को तो करना चाहिए, अगर तेरे पोकेमॉन के साथ कर दे तो भाई इसका कोई परवाह ही नहीं है, बट यू कांट बी सीरियस, डू यू नो व्हाई मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ पे लैब बनाई पहले टाउन में पूरी दुनिया में छोड़ के, व्हाई म्यू, क्योंकि म्यू सबसे ज़्यादा यहाँ देखा गया था, सबसे जो रेयर पोकेमॉन है, आई थॉट डैट वुड बी अ भाई, हमारी बेइज्जती कितनी करेगा यार ये शहर कैंटो में अकेला ही नहीं है जो अफेक्ट, वो मतलब ये जो कैंटो है इसको पोल्यूशन से कोई नुकसान नहीं है, और ब्यूटीफुल था ये वॉज जब तक कि वो आए और उन लोगों ने आके प्लेस को डिफाइल कर दिया, ख़राब कर दिया, उन्होंने मेरी ओहो फैमिली किडनैप कर ली, और वो मुझे जवाब देंगे भाई गुस्से में, अच्छा इसकी फैमिली को किडनैप कर लिया, सिर्फ प्रोफेसर ओक बचे हैं, वह गुस्से में गया, ये छोड़ेगा नहीं उनको, ये लेफ्ट इट बिहाइंड, ऑल राइट मैं भी जाऊँगा सेफर सिटी में, और जहाँ तक मुझे याद है रूट 5 के ईस्ट में गाइस पैलेट हीरोज चैप्टर, गाइस मैं एक मिनट फिर से म्यूजिक बज रही है भाई, ब्लू किधर है, हेलो 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 ब्लू ब्लू
भाई आउच, अब जाके पहुंचा, देर से इनविजिबल बैरियर, फिर कैसे जाऊँ मैं यहाँ से, व्हाट द हेल। ओके गाइस, रूट 7, भाई भाई ये खड़ा ग्रीन और ये खड़ी शायद ब्लू, ब्लू ही हो सकती है भाई। मैं इसके दूसरी तरफ गया था, राइट हैंड साइड की बिल्डिंग पे। ऑफ कोर्स तुम दोनों एक दूसरे को जानते थे ऑब्वियसली। बाप रे, आखिरकार पहुंच गया मैं, बोले इस बिल्डिंग के दूसरी तरफ था मैं भाई। इस एनॉर्मस और आई बैट मैं चट लगा के कह सकता हूँ, एक पोकेमोन इतना बड़ा प्रोजेक्टर है, इतनी बड़ी चीज़ जो और आया साइकिक बैरियर। देर मस्ट बी ए वीक स्पॉट, मे बी मैं इस के बैरियर के ऊपर से उड़ के जा सकता हूँ। भाई मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया और काम नहीं हुआ, सो मेरे को कॉपी करना बंद कर भाई, गुस्से में। ओए तू कौन कॉपी कर रहा है किसको भाई? आगे आगे म्यूजिक सुनो, चिच सिली बॉस, बेवकूफ़ लड़के, टॉप बॉटम और सेंटर कुछ भी डिफरेंस नहीं होता, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैरियर है और इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल है। खैर ऊपर से तो ब्रेक नहीं कर सकते, आउटसाइड से वेल हमेशा हर कोई चीज़ फिजिकली नहीं होनी चाहिए। कम आउट गोल्ड डक, यूज योर साइक। ओ भाई गोल्ड डक भी इसके पास, मैच ऑफ भी इसके पास, 90s भी इसके पास, 4000 भी इसके पास। ओ माय गॉड भाई कितना पावरफुल है ये। ओ मिस्टर माइम, ओ जिम के बाहर खड़ा है भाई, ये कर रहा है। सो डैट मिस्टर माइम वो है जो ये बैरियर को कर रहा है विथ लाइट स्क्रीन। अच्छा लाइट स्क्रीन, और मैं जाके उसको मिस्टर माइम को ख़त्म करूँगा। और तू कैसा करेगा? तू तो उसके आसपास भी नहीं जा सकता विदाउट ब्रेकिंग ये बैरियर, बिना तोड़े। भाई गुस्सा आ रहा है, मैं कोई एक रास्ता ढूंढूंगा। और वो एक दिन होगा, खास दिन होगा, वो कितनी बेइज्जती करता हो भाई। टुगेदर तुम दोनों एक साथ जीत सकते हो मिलके, और अकेले अकेले सेपरेटली यू कैन जस्ट कीप स्कोर्स। हाँ अपना अपना स्कोर रखो लेकिन साथ में जी सकते। डू यू थिंक तुम दोनों ये सोचते कि गेम बॉय एडवांस गेम और समथिंग है? लोल ऑब्वियसली गेम ही है। वह कैसे बोला रेड, इट डज सो हैपन डेट आई नो अवर फेस। अच्छा इसको पता है कि हमारे दुश्मन की पोजिशन कहाँ है, ऑब्वियसली मिस्टर माइम को देखा। अगर हम दोनों बैरियर में एंटर नहीं कर सकते तो पिकाचू सब्स्टिट्यूट अटैक। अच्छा एंड कोल्ड कैन मैंड, अच्छा मेरा और पिकाचू का ब्रेन वेव्स मतलब वो करके हमें टेम्परेली कंट्रोल कर सकते हैं उसको। ऑल राइट लेट्स डू इट भाई, क्या प्लान बनाया। एंड माइम गेम, लेट्स सी गाइस। ओ व्हाट द हेल, मैं पिकाचू भाई दिख नहीं रहा कुछ भी भाई, ये क्या है गाइस? हम पिकाचू बन चुके हैं। ओके यहाँ पर रास्ता जा रहा है। आई एम गोइंग टू गो होम एंड हे भगवान हगने यार, इतना बड़ा भाई हमने सुन लिया है। रेड ग्रीन और ब्लू हंस रहे हैं, आप लोग भी हंस रहे हो भाई, ये हगने आ रही है देखो। हे तौबा तौबा क्या सुन लिया। और आप क्या करिए ओए मोटे, व्हाट शुड आई डू? मेरे पे लड़कियां मरती हैं इस शहर में, और लड़कियां अपने हाथों को मेरे हॉट बॉडी की वजह से हटा नहीं सकती। हे भगवान कैसे कैसे लोग सपने देखते हैं। ओके ये वो है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ मैं? नहीं यहाँ पेड़ है भाई। मिस्टर माइम किधर है? यहाँ भी नहीं, ओ यहाँ नहीं जा सकता भाई। कैसे भाई जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। एंड कहाँ 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 कहाँ? ओके ये रूट है। धीरे 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 हम पहुँच रहे हैं मिस्टर माइम की तरफ। ओके ये फेंस है, नहीं यहाँ पे भी नहीं है। फेंस के साथ होते 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 अबे कितना हो गए। ओ ये रहा गाइस, ये रहे। ओके देयर इज मिस्टर, क्या मिस्टर? इट कैन टॉक मिस्टर माइम। अबे नाम ले रहा, ओ नेवर माइंड लोल। हरी बिफोर इट टेलीपोर्ट्स अबे, भाई पेल दूंगा उसको मैं भाई। आते डोगा दिया मैंने इसके तो मैं इसको। ओ व्हाट द हेल, अच्छा ये वो है फेरी है ये क्रिटिकल। आखिर का ऑल राइट पैरियर जा चुका, पिकाचू कम बैक गाइस, वी डिड इट द पैरियर स्कॉन। ही वो सब काम करते हैं और मुझे वो मिलता है जो मैं चाहती हूँ। कितनी तेज है, ओह आई एम सो गुड भाई। वो तो बिना बोले ही भाई बदला नहीं जा रहा, वो तो बदला नहीं जा रहा। और ब्लू ब्लू भाई कह रही है मेरे को तो अपना मिल जाएगा, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या हो गया मेरे को? इट्स लाइक मेरे को किसी ने मेरे माइंड को कंट्रोल कर रखा था ऑब्वियसली। गाइस हम आ चुके हैं सैफ्रॉन सिटी, शाइनिंग गोल्डन लैंड ऑफ कॉमर्स। क्या होगा हमारे यहाँ पे?
एंड ये सारे बिल्डिंग्स में चेक करके आता हूँ गाइस। ओ टीम रॉकेट का, ओए माइंड योर ओन बिजनेस तेरी ऐसी तैसी। ओ सिटी स्कूल भी तूने करके मत भाई, सबको कैप्चर करके। ओ ये रे भाई ब्लास्टोइस उसके पास बन गया, शिट मैन। मैं एक बार, ओए ब्लू क्या कर रही है? ओ तो तू मेरे को मेरी मतलब छोटी जैसी क्वीन जैसी को बचाने, डैमसल लाइक मी, चपेड़ खाएगी तू मेरे हाथों से, उल्टे हाथ का। डैट्स अ टेरिबल मूव डेरिवेट। क्या उन्होंने बताया नहीं कि अपने एनिमीज से आंखें कभी नहीं हटानी चाहिए? सॉरी लेकिन मेरे एनिमीज आर यूजली स्ट्रॉगर देन दिस। भाई बेइज्जती कर दी उसके मुँह पे कि तू तो कुछ भी नहीं है। अटैक ब्लास्टोइस, भाग गया लोल रोते रोते। टी ही मैं कोई लव से ट्रेनर नहीं हूँ बाय। यार ये सही में ना अफलातून है भाई, बहुत बड़ी अफलातून है ये। ओ व्हाट द हेल डेलिया रेटिकेट फिनिशिंग। भाई मैं सोच रहा हील करूंगा यहाँ तो। ओ भाई मारा मारा, बाप रे शी इज टू स्ट्रॉन्ग, लेट्स गो। सही है यार, मिस कैचम यू आर ओके। एश कैचम की माँ, यस रेड। और इन्होंने पहले टाउन पर अटैक कर दिया, सबको कैप्चर कर लिया और मैं भाग गई थी, लेकिन तेरी मम्मी और प्रोफेसर ओक आई नो, और मैं जा रहा हूँ उनको बचाने। ऑल आर डेड, लेकिन तुझे ध्यान रखना पड़ेगा। ओ एंड रेड, टीम रॉकेट को पता है कि तू यहाँ पर है और वो अपनी री इन्फोर्समेंट भेजेंगे इस पॉकी में सेंटर को ख़त्म कमज़ोर करने के लिए। और मैं यहाँ रह के, भाई कितनी अच्छी है यार हीरो की माँ तो ओबियसली। रेड तू नहीं जानता लेकिन मैं भी कैंटो की चैम्पियन थी। वाओ ऑब्वियसली तभी तो बेटा भी तो चैंपियन बनने निकला हुआ है। यस लेकिन हम इसके बारे में बाद में बातें करेंगे। क्या बात है यार, हमें पता चला कि सारे रेजिडेंट जो हैं पैलेटाउन के उसको सिर्फ बिल्डिंग में रखा गया है। और ब्रो डोजो यहाँ पे, यू हैव डोजो मेड, लेट मी सी, हाँ हमें जो दिया था। ओके ले आलू 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 ले लो आलू भाई। अच्छा यहाँ पर बैटल डोजो क्राई की बैटल करा, व्हाट द हेल वाज दैट भाई, क्या नमूना बनती है ये हैं। एंजॉय योर टाइम हियर, क्यों भाई हद होती है। और ये फाइट करने आएंगे भाई, इन दोनों को तो ऐसे धोया ना मैंने एक उसी से ही। यम व्हाट भाई, क्या यम 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 करता रहता है। याओ ये यमी 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 यमी, व्हाट टफ भाई आ जा। व्हाट आर यू डूइंग भाई, क्यों ये लेना। हाउ डेयर यू इंजर माई डिसिपल्स, भाई उन्होंने हमला करा था, मैं तो यहाँ पर तुम्हें देने आया था कि बैंड दिया किसी ने। इजंट इट बैड एनफ दैट योर काइंड। अरे यार हमने क्या करा, हम तो कुछ भी नहीं करा। अच्छा ऐश ले पहले आके इसको पीटा था। यू आर अच्छा, अबे हम चिकन नहीं है सभी, रहना पागल हो गया क्या भाई, लड़की जैसा लग रहा हूँ क्या। हाथ धोती है उसने तुझे भेजा है? नहीं भाई हम सबरी ने को ही हटाना है। यू आर स्पीचलेस, यानी कि मैं सही था, बस तेरे जैसे लोगों ने मुझे पुश कर दिया है। फेयर फार इनफ भाई, तू सुन तो ले, रुक तो जाए एक सेकंड के लिए। आई एम द कराटे मास्टर और आई एम द जिम लीडर हेयर, और मैं तुझे एक लेसन सिखाने वाला मेरा मजाक उड़ाने के लिए। ओह भाई साहब आउच, आई हैव अ बू, मैं नहीं पढ़ सकता उसको क्या बोला उसने। ओ ड्यूड प्लीज स्टॉप ब्रदर, रुक जा तुम मजाक बना रहा है मेरे, बाकी भाई ये जब चैप्टर देखेंगे हंसेंगे तेरे पे। क्या चाहिए तेरे को, मैं सब कुछ हार चुका हूँ तेरी वजह से, मेरे पे कुछ भी नहीं बचा। भाई मैं यहाँ पे आ रहा था क्योंकि दो जो रूट फोर पे थे उन्होंने बताया था तेरे डोजो के बारे में। यू मीन पंचर अंकिकर, हाँ भाई वही, यू से यू आर फ्रेंड्स, और क्या भाई सुन तो लेता तू, और वो अभी कम्पीट कर रहे हैं। हाँ ओ मैं क्या करूँ दोनों के साथ, मैं उनके लिए सॉरी फील करता हूँ, वो मेरी तरह स्मार्ट। ओ तू स्मार्ट, रेड की शक्ल देख रहे हो कैसे शक्ल कर ली उसने, अपने आप को स्मार्ट कह रहा है, तू तो उनसे भी बड़ा बेवकूफ़ है। और मैं माफ़ी चाहता हूँ जो अभी हुआ। यू सी ये जिम सेपरेट सिटी का ऑफिशियल जिम होता था, लेकिन एक दिन सेबरीना द साइकिक चिक आई और हमें हरा के उसने हमारे जिम टाइटल छीन लिया। मैन डैट सक्स, लेकिन कोई नहीं पास्ट पे इतना सोच मत, आई गेस यू आर राइट। और मैं चाहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पोकेमोन जो है वो ले ले। भाई सीरियसली क्या ये, अरे यार मेरे को आना पड़ेगा गाइस, मैं होके आता हूँ। ओके गाइस अब आ गए, आप देखें कौन सा पोकेमोन मिला, टायरोग मिला है। वाओ गाइस 40 लेवल का टायरोग मिला है, वाओ नॉट बैड। एंड इसका अटैक और स्पीड काफ़ी अच्छी, स्पेशल डिफेंस भी अच्छा है। यार इसके बाद तो कोई मूवी नहीं है गाइस, तो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में मुझे जाने नहीं दे रहे, यानी कि मुझे सेबरीना से फाइट करनी पड़ेगी। ओके सेबरीना से फाइट करके देखते हैं।
टारगेट, ओए द टारगेट इज इन अवर ट्रैप। व्हाट द हेल, कौन सा ट्रैप? ओ भाई घेर लिया उन्होंने, रिमेंबर स्किड, ये पे बैक है जो हमारे साथ माउंट मून में होता है, सीफम आइलैंड, सिनेबर आइलैंड में। भाई इन्होंने तो घेर लिया भाई, बच गए। बाप रे भाई, दोनों को तो लटका दे, लेट्स गॉट हो यार। अब तू तू भी आ जा, ए डोंट लीव मी, अबे रुक, तेरी ऐसी तैसी। ओ भाई सबरी ना आ गई उसके पीछे। यू आर डिसग्रेस ट्रीम रॉकेट, कितने चांसेस दिए मैंने तेरे को अभी तक, तेरे को मिले हैं। ओ भाई प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, प्लीज़, यू आर टर्मिनेटेड। टीम रॉकेट में तेरे जैसे कोई जगह नहीं है, तेरे जैसे कमजोर लोगों की। द चिप भाई फाड़ देगा। ओ माय गॉड, सीरियसली गाइस, ये गेम बच्चों की नहीं है। मैं अभी तक सोच रहा था कि चलो काफ़ी मतलब डार्क भी है, लेकिन इन्होंने तो सही में मरता हुआ दिखा दिया। भाई वो तो तेरा दोस्त था, डैट्स व्हाट मेक अस। भाई इसमें कितने, ओ चपाड़ देने वाला तो बच गया। डोंट वरी, हमारी बैटल बहुत जल्द होगी। शेट यार, ये देखो क्या कर दिया भाई। यार मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था यार, ये क्या हो गया भाई, कितनी ख़राब है टीम रॉकेट वाले गाइस। भाई बहुत ख़राब लोग हैं यार ये, मैं इनको किसी को नहीं छोड़ने वाला। मैं एक को ढूंढ के इसमें मैंने सारे सबको हराया, लेकिन इनको तो खासतौर पर ढूंढ ढूंढ के हराऊंगा मैं। दिस कैंट बी, बेटा कुछ भी नहीं हो सकता अभी। वट क्या है, आई नीड टू हॉप बैक इन टू माई ओन डायमेंशन, वट द हेल। किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं, किसी को भी नहीं छोड़ने वाला भाई। तुम अच्छा इधर ये लड़ रहा है, इसमें मैं अलग से बना के जाऊंगा, क्योंकि सेबरियन को मैं छोड़ने वाला, टीम रॉकेट में से किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। मैंने सोचा था कि कैडावरा इज एनफ, मैं ऐसे कर दूंगा, लेकिन जो उन्होंने अभी उस ग्रंट के साथ कराया ना, मैं 43-44 लेवल करूंगा और इसको अलग से बना रहा गाइस। हियर वी गो, लिंकस्टोन वॉज एंड कैडावरा इज इवॉल्विंग गाइस। अब हमारे पास एक ऐसा बीस्ट ऑलरेडी जो था वो डबल बीस्ट बनने वाला है भाई, डबल पावर। होली भाई, भाई ये देखो, मतलब एलेक्सम ओपी 128 स्पेशल अटैक। सबरीना रोने वाली है गाइस, मैं अभी है ना, मैं गाइस इसको 44 कर दिया, इसको भी 42-43 करूँगा, सबको करके जाऊँगा और फिर पीटता हूँ गाइस। थोड़ी देर में ट्रेनिंग करके आता हूँ मैं। सो गाइस सबकी लेवल कर लिए, मिनिमम 44 है और 45 मैक्सिमम मैंने इसकी करी है। लेट्स सी, आउट ऑफ माय वे, यहाँ मेरे रास्ता से निकल जा, नेवर। मैं लड़ूंगा और टीम रॉकेट के लिए मर जाऊंगा। 4000 हीट वेव, ओ भाई साहब हीट वेव, पर नाइन टेल्स का तो कुछ उम्र निकल गया होगा भाई साहब। वीक भाई, ग्रीन ओपी है, यू आर अ नोजी प्रैट भाई, वो उस मेरे से ज़्यादा नोजी तो वो है। यू हैवंट सीन द लास्ट ऑफ मी भाई, बहुत ही खतरनाक। बाप रे, ओ पॉकीबॉल, अल्ट्रा बॉल का चार डालूंगा मैं। गाइस आखिरकार हमारी मेन बैटल, ओ सबरीना ने गिरी यार, मैं सामान वामान ले लूँ क्या गाइस, मेरे को लग रहा है खतरनाक सा कुछ होने वाला है। गाइस सारा सामान वामान ले लिया मैंने, आई डोंट नो कैसी फाइट होगी। पहले ग्रीन से बात करो, सबरीना से बात करता हूँ, इसके कनपट्टी भी दूंगा रख के। भाई क्यों हंस रही है, आई हैव फाइनली फाउंड यू, हेलो, मेरे को इग्नोर मत कर भाई। इसको ग्रीन से प्यार है, मैं बता रहा हूँ, रेड को ग्रीन से प्यार है। वो ये नहीं देख रहा कि सबरीना सामने है, जो इसके परिवार को किडनैप कर चुकी है, प्रोफेसर ओक को, ये बस ग्रीन से मतलब रखता है भाई। सुन ले सबरीना, अब पता चला इसे सबरीना सामने है। यू नो हर, हाँ मेरे को उसने बताया था, शी इज पार्ट ऑफ टीम रॉकेट, शी इज द वन जिसने अटैक मी करा था वो ग्रैंड पल्ला में, इन हाँ तेरी प्रोफेसर ओक की लैब में अटैक करता। सो यू आर द वन रिस्पॉन्सिबल, तेरे को कोई आइडिया नहीं है मैं कितनी देर से वेट कर रहा था। आई विल मेक यू पे, ही पेशेंस, यू विल गेट टू फाइट मी सून इनफ। और मैं अच्छा सिर्फ कंपनी बिल्डिंग में, व्हाट द हेल, शी इज टॉइंग विद अस, उस वे आर यू गोइंग भाई, सिर्फ बिल्डिंग में जा रहा और क्या, उसने बोला तो है। अच्छा सिर्फ कंपनी में ब्रेक करके घुसेगा, बट इट्स अ ट्रैप, तो क्या हुआ, मैंने टीम रॉकेट को पहले भी हैंडल करा है और वो मुझे डराते नहीं है, क्या बात है भाई साहब। और मैं इसके अंदर जाके देखूँ तो कुछ मिलेगा, ओह नहीं। चलो गाइस बिल्डिंग के अंदर टूट पड़ने की बारी आ चुकी है, कहाँ पर है वो भाई, ये रहा, ओए मैं इससे यहाँ से बात करता हूँ, पता चले ओ भाई ये को रहा क्या, तुम ये तू नहीं जा सकता अंदर, मैं इसको हैंडल करूँगा, तो दूसरे वाले को ले लाल। ओके लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, भाग गए, लेट्स गो भाई, अब हम अंदर घुसेंगे। एंड क्या हो रहा है भाई, ब्लू भाई हमारा
फ़ायदा उठा रही फुल। लेफ्ट एंड सर ही तो वो बच्चे, फाइनल शोडाउन बिगिन। सीरियसली इस गेम की एंडिंग होने वाली है क्या? रेड आई हैव अ स्कोर टू सेटल विद यू। भाई मेरे को भी स्कोर तेरे साथ सेटल करना है। तूने जो मुझे उस दिन फेंका था ना शिप से नीचे, तुझे पीट दिया था, तू बच गया था। लेकिन भाई पहुँच गए, वो ये तो बहुत ही बड़ी प्रीटी फैंसी बिल्डिंग है। यू श्योर दिस ये टीम रॉकेट का हेडक्वार्टर है? कहाँ है मेरा ओपोनेंट, कहाँ है तू? अरे सुन तो ले ग्रीन, आई डिडंट कि भाई मैंने ये सब इसलिए नहीं करी तू इसको अपना शो बना सके। हीरो वर्सेस विलन गाइस, हमारा हीरो वर्सेस विलन, मैं उनको पे करूँगा, आई विल मेक देम पे। ओ नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है। ओ माय गॉड, मुझे नीचे सीढ़ियों पर जाना चाहिए था ना गाइस, और मैं यहाँ ट्रैप में गिर गया हूँ। रेड, ओ कोगा आ गया, आई हैव गिव यू वन पॉइंट ऑफ ब्रेकिंग थ्रू द बैरियर, बट यही है सब कुछ तेरे पास, और कुछ नहीं बचा। भाई कोगा किसके साथ फाइट होगी? गिर भाई, पिछली बार इसके आर्मर को कैसे ग्रीन ने मारा था, बाय गॉड खूनम खान, एक स्लैश मारा 4 मिलियन, अब तो 4000 बन गया है भाई तू पे। ओ भाई मैं यहाँ गिर गया हूँ, आउच। भाई मुझे गिरने की तरफ जाना पड़ेगा, व्हाट द हेल गाइस, खुल जा। स्विच कहाँ है? स्विच 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 स्विच, इसमें किसी में, इसमें इसमें किसी में, ये क्या पेंटिंग? ओ पेंटिंग में, ओ शिट मैन, ओ ये क्या है? पहले इसको पढ़ लेते हैं, लड़ाई तो बाद में कर लेंगे। डियर डायरी, आई एम सच अ क्लट्स, आई लॉस्ट माय कार्ड की। लैपटॉप, लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप कहाँ है? और तू क्या कर रहा है? नो प्लीज़ डोंट हर्ट मी, मैं ज़्यादा काम करूँगा। अरे मैं तेरे को हर्ट नहीं कर रहा गाइस, लैपटॉप ढूंढो यहाँ। ओए तू क्या है? यू आर द बॉय हु उस जिसने मेरे भाई को सीपा वाले में, अरे नहीं हमने नहीं मारा था, उसने उसने हमारी जान बख्श दी थी और वो पानी में कूद गया था कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट ना हो जाए। अरे नहीं भाई, नो वेट भाई, आई डिडंट किल योर ब्रदर, योर ब्रदर, हाँ नो डोंट भाई, सही में ही रिग्रेटेड, उसने जो ऑर्डर लिया था टीम रॉकेट को हमें चोट बचाने के लिए, जो कि हम एक बच्चे हैं, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि माइक्रोचिप थी उसके अंदर। बाय व्हाट्स दैट साउंड? अच्छा फ़ोन, मेरे को लगा फाइट आ गई, लोल। एंड कैरोल रो रहा है भाई, अच्छा बाप बन चुका ये। यू मे गो, आई एम सॉरी। ओ इस डैट अंदर मैं, अच्छा नो लड़के, अगर तू इससे सर्वाइव कर जाता तो क्या तू मेरी बीवी को मिलने जाएगा? उसका नाम कैरोल है, और क्या तू उसे बताएगा? वो एकदम सही थी और मैं कितना गलत था। ओ व्हाट भाई, ये गेम यार, बहुत क्या हो रहा है यार, ये भाई गेम बहुत खतरनाक है यार ये। मैं टीम रॉकेट को मैंने इसलिए लेवल अप कर ली गाइस, नहीं तो मैं लेवल अप नहीं करने वाला था, तुम्हें पता है। मैं तो ऐसे ड्रैगन क्लो, भाई इसको सिखाना है भाई, ड्रैगन क्लो सिखा दिया मैंने अपने ड्रैगो को, डोगा को, यानी कि ड्रैगनाइट को। यू आर नॉट गोइंग टू फाइट मी? क्यों भाई, व्हाई शुड आई? इवेंचुअली नेक्रोजोमा विल कम एंड डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। व्हाट भाई, भाई रेड भी मेरी तरह चौंक गया, लैपटॉप की तरह भाई। आई स्मेल रेड, सूंघ ले रेड को। आ किड लाइक यू वॉन्ट, अरे छोड़ना तेरे से मतलब ही नहीं मेरे को भाई। टैग वैग दे रहे हैं, टैग नहीं चाहिए मेरे को, किधर जाऊँगा इसमें? मेरे को टेलीपोर्ट मारना पड़ेगा शायद वहाँ पे जो है ना। ओके यहाँ पे आ गया मैं, ओ शायद ये की कार्ड मिल गया। ओके 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 भाई उठा ले, व्हाट द हेल, देर से की कार्ड ऑन द टेबल। ओ वहाँ से नहीं उठाएगा, इतनी दूर से उठाएगा। ओके गाइस हमारे पास की कार्ड मिल चुका है, एंड लेट्स गो। मैं चाहता हूँ सेवन रन को आज ही ख़त्म करना। एंड कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ पे शायद इससे गेट खुल जाएगा। इट वर्क्स थैंक गॉड। ओए होम, तू यहाँ कैसे आ गया? वट एवर, यू आर नॉट गोइंग टू गेट आउट ऑफ हेयर, आई विल पर्सनली, अरे पर्सनली मैं तेरे को पीट के जाऊँगा भाई, ऐसा रुलाया ना इसके। अरे यार यहाँ पे वो है, ओके ओके। एंड यहाँ से हम गए सेल्स कॉरपोरेशन, भाई यहाँ पे कुछ बंदी बना रखे हैं। एंड यहाँ पे ये इसको भी चेक कर लेते हैं। ओके भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। एंड ओ यहाँ पे पॉकी बॉल्स हैं, गाइस क्या मिलेंगी? रेयर कैंडी को अचार में डालो। मैक्सी वाइफ, ओ थैंक गॉड मैक्सी वाइफ बहुत काम की चीज़ है। शी कांट यू सी मी, आई नीड द की कार्ड भाई, दे दे भाई, दे 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 दे। ओ भाई हमें इससे मिल रहा है, क्या बात है। और कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे क्या, ओ दे थैंक गॉड। ओके गाइस और यहाँ से, ओके यहाँ से नई सीढ़ियाँ आई हैं, पहले बाकी जगह चेक कर लेते हैं गाइस। ये तो बहुत सही है मेरे को, यानी कि सबसे बात करनी पड़ेगी। ओके इससे भी देख लेते हैं। टीम रॉकेट डस मोर देन जस्ट एक्सपेरिमेंट, यार लोगों पे को भी पागल बनाते हैं, किडनैप करते हैं, बहुत ख़राब लोग हैं। हम
मार भी देते हैं, टॉर्चर भी करते हैं। ओए होए, इवन इफ यू बीट नो वन, यार बहुत सारे हैं ये तो। एक मिनट मैं यहाँ की भी पॉकेट उठा लेता हूँ। भाई एट लास्ट मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इतने सारे उसमें थे बंदे, इतने टेलीपोर्ट से जंप कर करके। लेट्स गो टुगेदर पिकाचू। आखिरकार ओए एक मिनट, लेफ्टिनेंट सार्स से फाइट नहीं मिल गया भाई। ये तो डिफरेंट है, ये तो लेफ्टिनेंट सार्स के जैसे जिम होता है। आर यू चार्जिंग एनर्जी भाई? क्यों वो व्हाट्स विद दोस वॉल भाई? ऐसी वोल्टेज, सेम एग्जैक्ट वोल्टेज कब भाई लेफ्टिनेंट सार्स से? ओ भाई ये तो वोल्ट ऑफ आ गए इतने सारे। डैट्स इट, तब पॉकी स्मगलर पैक इन द परमिल सिटी। हाँ जो हमने परमिल सिटी एस एस एनी शिप में लेफ्टिनेंट सार्स, टू बी प्रिसाइज आई एम लेफ्टिनेंट सार्स ऑफ द टीम रॉकेट इलेक्ट्रॉइड। दिस टाइम मैं तेरे कोई भी चांस नहीं दूंगा भागने का। भाई तू पिछले बार भागा था, लेकिन फिर भी एक जिम लीडर टीम रॉकेट के साथ क्यों देगा भाई? कहानी बता देना रेड इसको, पिकाचू के साथ जो हुआ था, हमने जो घोष पिकाचू जो हमें मिला था। आर जी लीडर, देयर वॉज अ टाइम मैं ऐसा करता था, मैं अपने पूरे रोल जो जिम लीडर का रोल था पूरा उसको अच्छी तरह से निभाता था, डिग्निटी रूल्स ट्रेनिंग सब करता था। बट वट डिड आई गेन, और मुझे मिला क्या? क्या मिला मुझे? कुछ भी नहीं। आई डिडेंट गेन एनीथिंग एट ऑल, इन फैक्ट आई एंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग डियर टू मी, एवरीथिंग। और मेरा फेथफुल, अरे भाई पिकाचू हमें मिला था, हम जिम में गए थे, तेरे को पता है? इट्स ऑल अबाउट पावर। नहीं भाई गलत है तू, यू आर सराउंडेड बाय हाई वोल्टेज फेंसिस। और मेरे एक वोल्ट ऑफ इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, वंडर इफ यू विल एबल टू। अच्छा हमें सही वाले वोल्ट ऑफ को पकड़ के उसको रोकना है, नहीं तो वो फट जाएगा। व्हाट द हेल भाई क्या हो रहा है ये? हाँ ब्लू से खेलना चाहता हूँ मैं। ओ ब्लू तो दूसरी तरफ है, वो तो भाई इतने सारी चीज़ें हो रही है। ओके ब्लू से आ गया गैस हमारे कुछ घंटों पहले, ये घुस गए थे ना उसमें फ्यू। मैं बिलीव नहीं कर सकता कितना आसान था तोड़ना। ऑल राइट आई होप यू आर राइट एंड द प्लेट डिवाइस। ये आई एम श्योर विद दैट डिवाइस, ये कौन आ गया भाई? हम न्यू पावरफुल पोकेमोन को सम्मन कर सकते हैं टू फाइट हिम ऑफ। किसको? हिम कौन? जीवन की बात कर रहे हैं? ओके मैं उस डिवाइस को ढूंढेंगी, और मुझे ज़्यादा मिस मत करना। गुड लक ब्लू। भाई ये कौन सा था? ऑल राइट अरे नहीं नहीं यार, मेरे को इससे बच के आना है, मैं लड़ना नहीं चाहता इसके पोकेमोन। गाइस देखें, अरे यार इसके पोकेमोन उतने अच्छे नहीं है यार इसके, मतलब यही एक ठीक है। पता नहीं निकल पाऊँगा कि निकल पाऊँगा भाई, ये तो जाने भी नहीं दे रहे। ओके यहाँ से चुपके से, चुपके से निकल जाओ गाइस, मैं नहीं जाता लड़ना इनसे। ओके पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। ओके यहाँ से अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ओके ये सीधा इस पे आएगा। ओके ठीक है, लेफ्ट ओवर्स, ओ लेफ्ट ओवर दिए, सही दिया है। एंड भाई कोई बटन दबा दो गाइस। मैंने दोनों मूवस्टोन इसके पोकेमोन में यूज़ कर दिया है। आई डोंट नो क्या होगा, मेरे को इससे फाइट होगी फिर से नहीं होगी यार, समझ नहीं आ रहा गाइस। मुझे नहीं लगता ब्लू उतनी स्ट्रॉन्ग है यार, कैसे जीतेंगे हमसे? यू आर डेड गर्ल ब्लू, और तू रिस्पॉन्सिबल है मेरे दोस्तों का गया, मैंने कहा सेलेडर सिटी में, मैं तेरे को यहीं मार दूंगी। बाप रे भाई इतने बकवास मूव है ना इसके ब्लू के, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, हद है यार। और यहाँ जाऊँगा कैसे, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या यार। भाई बटन वटन कुछ बंद हो जा, थैंक गॉड। भाई मैं लड़ना नहीं चाहता यार, ये बहुत ही बेकार है। ब्लास्ट ऑइस मर चुका है और मेरे पोर्शंस भी यूज हो रहे हैं इसके ऊपर, और मैं भाई चुपके से निकल जाऊँ, चुपके से निकल जाऊँ भाई, जान दे मेरे को। ओ यार इन दोनों से फाइट नहीं करता, सो आई हैव टू गार्ड द सिक्स्थ फ्लोर। यस मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और तेरी बारी है। और अच्छा यहाँ पर है, सिक्स फ्लोर पे है वो। बट आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम माई ब्रेक, मैं तो अभी तो आया हूँ ब्रेक से, और मैंने अभी तक ब्रेक देखी नहीं है, स्टॉप कंप्लेनिंग। भाई यहाँ पर है गाइस, सो इट्स ऑन द सिक्स फ्लोर, बेटर टेक आउट द गार्ड फर्स्ट। शिट मैन भाई बहुत ही, ओ भाई चुपके, ओ नहीं गाइस, गाइस मैं चुपके से निकल रहा हूँ। ओ पहुँच गया शायद यहाँ पे भाई, बिना लड़े पहुँचा हूँ मैं भाई, बहुत ही बेकॉस मूव है इसके। एंड यहाँ पे कुछ बटन वटन है भाई, दबा के देख लो।
अरे कुछ तो मिल जाए भाई, क्या है ये? ओह प्लेट डिवाइस मिल गया क्या? ए यार रेयर कैंडी का क्या डालूंगा यार मैं? ओह कुछ है नहीं, ये भी नहीं है। बिग पल का क्या करूंगा? ये भी नहीं है। एंड ओके यहाँ इसमें मिल जाएगी कार बॉस। भाई कुछ तो भाई, ये प्लेस बहुत बड़ी है और यहाँ पे सही में बहुत ज़्यादा मोटा पैसा बना रही होगी ब्लू। आ ही अमेजिंग, हम कितनी दूर आ चुके हैं स्लिप पास वन, एक गार्ड से स्लिप करते हुए, और मेरे और सिक्स फ्लोर में कुछ भी नहीं है। भाई क्या हुआ? वो व्हाट वाज डैट? वेट अ मिनट, मैं तो अभी अंदर थी इंडोर बिल्डिंग के अंदर, और यहाँ थ्रू द पावर ऑफ माय साइकिक पोकेमोन। ओ माय गॉड सेबरीना यार, तरस खा ले ब्लू पे यार। ब्लू के पास घटिया पोकेमोन है एक ब्लास्ट टॉर्च को छोड़ के, और उसके पास भी अच्छे मूव नहीं है, तरस खा ले कुछ। ओ भाई चे कम आउट ब्लास्ट टॉर्च भाई, अपने वाला लड़ी मैं नहीं लड़ना चाहता भाई। ब्लू ने मेरे को पहली बार इतना दर्द दिया है। कैडावर एलिमिनेट दो भाई, ब्लास्ट टॉर्च की ले ली। कैडावर डिसेबल ना हो। ओ हमें डिसेबल कर दिया। यू आर ओनली, बस तू टैलेंटेड है लड़कों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लोल हमारी बेइज्जती कर रही है ये तो। स्केर्ड एज यू आर, जितनी तू डरी हुई है, मुझे लगा था कि तू स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन को ऐसे निकाल लेगी। अगर ब्लास्टोइस गिरता है तो तेरा खेल ख़त्म। डू यू सी, ये होता है जब टीम रॉकेट से फाइट करती है। तू है वो जिसको कुछ देखने को मिलेगा। विल द रियल ब्लास्टोइस, भाई असली ब्लास्टोइस बाहर। ओ भाई साहब दिमाग देखो उसका। भाई मैं का पंच तो है भी नहीं तेरे पास। वॉट इफ डैट वॉज ब्लास्ट टॉयज, भाई डिट्टो था। लोल बेवकूफ़ ना दी सबरीना को भी। आई कैन फूल, भाई बेवकूफ़ लड़कों से भी ज़्यादा और को भी बेवकूफ़ बना सकती हूँ। आई कैन ऑल्सो प्ले माइंड गेम्स। ब्लू ने यार दिल जीत लिया भाई। वॉट? ओ भाई डोंट टेल मी मेरी फाइट होगी इससे। भाई साहब क्या होने वाला है? गाइस लगता है मेरा टाइम आ गया लग रहा है। अरे कोई तो बचा लो मुझे। अरे 45, अरे यार शिट मैन। ओ भाई सर्फ, भाई मार दिया इसने। भाई मेरे को लगा था वाटर पोकेमोन तो वाटर टाइप अगर मूव यूज करूँगा तो ज़्यादा बेटर है। ओफ ओफ रेड गॉड, भाई हमें पैसे मिल रहे हैं, थैंक गॉड कुछ तो सही मिल रहा है। भाई थक गई ग्र, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है। कैटाबरा डिसेबल भाई फिर से यार, क्यों? एनफ गेम्स, यू कैन नेवर मैच मी व्हेन इट कम्स टू फाइटिंग। तू सही में एक अच्छी फाइटर है, लेकिन तू सिर्फ वही उसी का कैरी करती है जो सामने स्किन होती है। जजिंग फ्रॉम, अच्छा तेरी स्किन से देख के जो बुढ़िया हो रखी है तू, तेरी बॉडी हेल्दी नहीं है जैसे मेरी। भाई औरत की बेइज्जती कर दी बुढ़िया बोल के। चीप शॉट कैटाबरा, उसको आधा काट दे। वॉट पॉकीबॉल्स लोल। उसकी छाती में लगा और पॉकीबॉल निकली। प्ले फेर यूज क्रीच जिगली ऑफ यूसिंग दिस हीडियस साउंड मूव्स। ओ माय गॉड कैसे दिमाग उसके कान में चिल्ला रही है, उसको सुला रही है, और मेरा ब्लू ओपी। चाहे इसके पॉकीमोन कितने भी अजीब व गरीब हो, लेकिन इसका दिमाग बहुत खतरनाक है। ओ शी इज अ जिम लीडर। वेल नाउ मैं यहाँ पे हूँ तो क्यों ना ये बैच ले लिया जाए। भाई मार्स बैच ऐसे ले लिया उसने। टाइम टू गो एंड कांट मूव एट ऑल, कैन यू? मक को इसने हमारे ऊपर कर दिया। मक टॉक्सिक स्लज अटैक। अच्छा हमारे ऊपर कर दिया है टॉक्सिक, जिससे कि हम मिल नहीं पा रहे। आई रिमेंबर यू, हाँ वो यही बफून है जिसने माइंड कंट्रोल करा था मेरे को लेवेंडर टाउन में लास्ट टाइम। मैं केयरलेस था, लेकिन इस बार आई विल मेक श्योर तू यू वॉन्ट गेट एनीवेयर। अच्छा तू अपने पॉकेबल्स के पास जा भी नहीं पाएगा। शिट मैन आप पोकेमोन ट्रेनर, विदाउट देयर पोकेमोन इज नथिंग। यार बहुत दिमाग है तू हमारे अड्डे में, हमारे इलाके में, और हमारा इलाका हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तेरा दोस्त रेड, वो भी ज़्यादा दूर नहीं जा रहा होगा। रेड या यू आर नो पोजिशन टू बी वरिंग अबाउट, तू खुद को देख अपने आप को, इट वुड बी एफर्टलेस। अभी मानना तेरे को बेकार होगा, लेकिन मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ। आई अंडरस्टैंड तू प्रोफेसरों का पोता है, हम उसे पूछ रहे थे कि हमारे साथ कोऑपरेट कर। हाउएवर वो बहुत ही स्टबर्न है, वो पता नहीं आता है, टेरिबल आयरन नाउ। अब हम देखेंगे उसका दिमाग कैसे नहीं बदलेगा। भाई उसके पोते को यूज़ करेंगे यानी कि ग्रीन को। डू यू सपोज
वो अपना माइंड चेंज कर लेगा जब वो अपने पोते को देखेगा दर्द में, पेन में. ओह माय गॉड, चॉइस तेरी है. आइदर हमारे साथ मदद कर अपने दादा के साथ, या मक एक एसिड में पिघल जा. भाई ग्रीन ने कह दिया मैं किसी को भी चूज नहीं करूँगा. साइथर, ओ भाई साइथर आ गया, गुड जॉब साइथर. ग्रीन ओपी गाइस, ग्रीन ओपी. ब्लू और ग्रीन बहुत ही खतरनाक है. आई न्यू इफ आई प्लेड पॉसम तो तू अपना गार्ड नीचे कर देगा. अच्छा एक्टिंग कर रहा था तू. ओ तुझे लगता है तू स्मार्ट है. रिटर्न मक. आर्टिगोनो को बुला लिया और मैं क्या करूं भाई. व्हाट द हेल, अरे ये कहां से. मेरे पास ड्रैगन पल्स. थैंक गॉड मैंने ड्रैगन पल्स आ गया. भाई तू भी ले. भाई हमारा ढोगा भाई बच गया. ओके ये था. शेट मैन, व्हाट, आई डोंट गेट इट. मैं आई गॉट रिड ऑफ द वोल्टर जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा था उनसे, तो मैंने उनको मार दिया. फिर भी बैरिकेड कैसे. डू यू रियली वॉन्ट टू नो, यू वॉन्ट टू नो. यहाँ पे एक एंडलेस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भाई ज़ेप्डोस है इसके पास. हाँ शेट मैन, ज़ेप्डोस निकल लिया. दिस कांट बी हैपनिंग. आई कॉट दिस ज़ेप्डोस एबंडेंट पावर प्लांट में थैंक्स टू ज़ेप्डोस. मेरे पास अनलिमिटेड एनर्जी, फ्री एनर्जी. और कहानी है लेजेंड सही में सच थे. भाई कैसे कूद रहा है, एक बार तू आ जा. नाउ बॉय मेरे से फिर से पूछ. आस्क मी वेदर, क्या मैं फिर से जिम लीडर बनना चाहूँगा. ज़ेप्डोस अपनी पूरी पावर यूज़ कर. फ्यूज कहाँ है फ्यूज़ भाई. ओ ये इस डेट्स ऑल द पावर. सिर्फ ज़ेप्डोस का बस इतनी पावर है. मेरा अदर इलेक्ट्रिक पोकेमोन है ना, वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता है. भाई इसने दिमाग लगाओ. ये ज़ेप्डोस अपनी मैक्सिमम एनर्जी दिखा. वॉट भाई फ्यूज उसने शॉर्ट सर्किट करवा दिया क्या. तेरे पास इनफाइनाइट सप्लाई तो हो सकती है एनर्जी की, लेकिन तू चीप यूज कर रहा है जो इतनी एनर्जी. लोल भाई शॉर्ट सर्किट करवा दिया. रेड भी इतना ओपी है बाय गॉड. रेड ग्र नो बिग डील ज़ेप्डोस मेरे पास है और तू बहुत जल्द हार जाएगा. अरे नपले तेरे को पता ही तो नहीं है. आ जा ज़ेप्डोस को मैं एक ड्रैगन नाइट से मार देता हूँ गाइस. ज़ेप्डोस इलेक्ट्रिफाई हिम. मैं उसको देखने चाहता उसका बचा हुआ कुछ भी उसको भस्म कर दे. अरे आ जा तेरी भस्म में मैं करता हूँ. अब व्हाट द हेल ये क्या है, वोल्ट ऑफ गन. What the hell? भाई अपनी एच पी पूरी करो भाई. भाई भाई यस ज़ेप्डोस आ रहा है. ज़ेप्डोस हवा में उड़ता है और हमें गाइस पैरालाइज हो रखा है. एक मिनट स्लीप करता हूँ मैं. अरे 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 ओ भाई क्या कर रहा तू. थैंक गॉड भाई क्या बचा है. और भाई पैरालाइज 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 हिल. भाई अब तो तू गया भाई. दिमाग ओपी वोल्ट ऑफ गन. अरे आ जा तू इसे अर्थ को एक ही खा तू. ओ व्हाट द हेल भाई सेल्फ डिसाइड कर लिया भाई. इसीलिए रखा था अर्थ को मैंने. गाइस अ स्टबर्न बॉय लाइक यू उससे उसको एक ऐसा डिसीज बोलो चाहिए रोकने के लिए. अरे आ जा तू. ज़ेप्डोस मैक्सिमम एनर्जी रॉक. व्हाट आर यू डूइंग, मेरे शोल्डर से उतर पहले यू स्टूपिड. भाई उसी को झटका दे दिया. इट्स नॉट पॉसिबल सिंस ही इज अ जिम लीडर. ओहो गॉट इट गाइस, हमें थंडर ब्लेड भी मिल चुका है और हमने इसको हरा दिया. नो मैटर हाउ मेनी पोकेमॉन तेरे पास हो और कितने भी पावरफुल हो, नथिंग कुछ भी पावरफुल नहीं है एक फ्रेंडशिप बिटवीन पोकेमॉन एंड ट्रेनर. भाई लात मार इसके, ये वो लात मार. एंड हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके. ओह ओए ग्रीन तू ठीक है ना. ग्रीन केयरफुल रेड इसके साथ आर्टिगोनो. अरे ज़ेप्डोस को हरा दिया हमने गाइस. ये आर्टिगोनो क्या चीज़ है. इट ही डजंट मेक एनी सेंस. ये आर्टिगोनो को कैसे कंट्रोल कर रहा है इतनी आसानी से. सो तूने नोटिस कर ही लिया है. तुम दोनों भूल चुके हो कि ये ट्रेनर बैचेस सिर्फ बैचेस नहीं है, सोवेनर्स नहीं है, ये बहुत कुछ है. ईच बैच के अंदर एक पावरफुल है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावरफुल, जो पोकेमॉन की एबिलिटी को बढ़ा देते हैं और एक ट्रेनर को पावर देते हैं वो किसी भी पोकेमॉन को कंट्रोल कर सके. अच्छा इसीलिए इसके पास 4 बैचेस है, इसलिए आर्टिगोनो उसके अंडर कंट्रोल में है. ओह माय गॉड, मैं तो सोचता था यार सिर्फ बैच ही है वो, बोले डिफेंस अटैक वो सब बढ़ाएंगे.
और लेवल जो कि पोकेमोन की, लेकिन ये तो लेजेंडरी कंट्रोल होते हैं लाइक मांगा में बताया गया है। और हम किसी पोकेमोन को किसी भी बच्चे विम पे अटैक करवा सकते, दिस इज़ वाई हमने अपने जिम स्ट्रेचेस छोड़ दिए, ये पावर चाहिए हमें इसलिए। नाउ अब मैं तुम दोनों को वहाँ ले आयो जहाँ मुझे चाहता था, इट्स चेकमेट आर्टिकुलो, लेट्स गो। अरे आ तू आर्टिकुलो तेरी एक्वाटेल, अरे पगले ये ले, अरे डोगा हमारा आर्टिकुनो, आर्टिकुनो के लिए फ्लेम थ्रोअर है हमारे पास। अरे पगले भाई हमारे डोगा ने ले लिया इनको दोनों को। आजा पिकाचू बाहर आजा, एक हिट में। ओ मक्स, अरे एलेक्सा बाहर आजा, क्या चाहिए गैस तुम्हें, क्या चाहिए? ऐसे किसी की पिटाई होती दिखी तुम्हें जिंदगी में? बस खत्म ऑनटर। अरे ये ले पगले टैटा करो, अरे ये ले पगले तू। ओ भाई बाप रे बहुत जोर से मार, कोई ली भाई तीन को अकेले खा गया, ये तीन को अकेले व्हाट। और डोगा हमारा उसको खा गया, आर्टिकुनो को ख़त्म कर दिया। व्हाट आर्टिकुलो शेयर यूज शेयर कोल्ड, अरे ठंड होगी चार झट गिरा दे उसे। आयरन ट्वेल भाई दोनों को दीवार पे मारा, तुम ये राउंड जीत चुके हो। आर्टिकुनो रिटर्न, भाई दीवार ही तोड़ दी और दीवार से भाग गया। सो डिड आर्टिकुनो, चार झट सोल बैच रेड, ये बैच ले और याद रखे कोगल है क्या क्या, यूज इट और हम फिर से मिलते हैं। गाइस हर बार थंडर बैच भी आ चुका है, सोल बैच भी आ चुका है, लेट्स गो चार्ज आट। भाई उसके पीछे जा रहा है, वे आर यू गोइंग? मैं जा रहा हूँ ग्रैंड पावर दूसरे को ढूंढने। ओह ग्रीन के साथ खेलने को मिलेगा, गाइस ग्रीन के साथ खेलते हैं। भाई ग्रैंड पावर एंड अदर आर समवेयर इन दिस बिल्डिंग, बट ऑन व्हाट फ्लोर दे आर कीपिंग? अच्छा अब मेरे को डायरेक्शन बटन प्रेस करने हैं जिससे कि, अच्छा मैं अपना फैशन बॉक्स यूज़ ना करूँ इसमें। भाई भाई ये तो यूज़ कर रहे हैं। ओ भाई चार्ज आट उड़ा पा रहा हूँ चार्ज आट में, एंड यहाँ पे भी नहीं है भाई, तो यहाँ है क्या भाई, यहाँ से तो निकला हूँ मैं। एंड अच्छा ऊपर जाना है, ओके ओके यहाँ से आया हूँ मैं। ओ ग्रीन गाइस मैं ना इसको अगले पार्ट में डालूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई इतनी सारी इंटरेस्ट एक बार में आ जाए, धीरे धीरे भाई मैं एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए। आई नो गाइस मेरे को मतलब बहुत मन कर रहा है कंटिन्यू करने का, लेकिन आज इतनी सारी चीज़ों की नहीं यार, एक दिन में इतनी सारी खुशी और एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो इसी के सभी समय के लेता हूँ ऑडियो टिकट शबाकर। और गाइस गाइस जिसले लाइक नहीं कर लाइक कर दो, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि इन द फ्यूचर आर के एस लेजेंड और शाइनिंग पल और वो खेलने वाले हैं। और आज का पोके क्विज पे पूछ लेता हूँ, सिंपल पोके क्विज पूछूंगा, आप ढूंढ सकते हो पोकेमोन का नाम भी मैं बता देता हूँ। तो जो म्यूटू पोकेमोन है, म्यूटू पोकेमोन का जो डिज़ाइन है वो किससे इंस्पायर है? तो गाइस देखते हैं कौन दे पाता है, तो बताना म्यूटू की बॉडी का डिज़ाइन किस से इंस्पायर है। तो जो तीन पहले विनर्स हो गए मैं उनका नाम लूँगा, और गाइस जिन्होंने लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दो, और जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ पीस आउट।